तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम ऐसा ट्राइपॉड अनबॉक्स करने वाले हैं जिसकी कीमत लगभग 500 रुपए से भी कम है और जिसकी क्वालिटी जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा ट्राइपॉड। अगर आपका बजट कम है, आप महंगे ट्राइपॉड नहीं खरीद सकते, तो ये ट्राइपॉड जो है आपकी वीडियोस के लिए, आप जो भी कंटेंट बनाना चाहते हैं वीडियोस में, आपके लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और बेनिफिट रहेगा। और जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं बिगनिंग के लिए, तो ये ट्राइपॉड भी काफी ज्यादा आपके लिए कम मैं कहूंगा कि बेहतरीन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं द टेक टेक्निकल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये रहा वो बॉक्स जो कि जो है मुझे फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ था, क्योंकि मैंने इसको जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, अच्छी डील चल रही थी तो इसलिए मैंने 100 खरीद लिया। अब दोस्तों, ये 500 रुपये के अंदर में आने वाला ट्राइपॉड है और लिटरली जिसकी कीमत है वो लगभग 300 रुपये के करीब है, एंड 300 रुपीज़ के अंदर में काफ़ी अच्छी जो है बिल्ड क्वालिटी के साथ में ट्राइपॉड जो है देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है एंड मैं कहूँगा कि ये 2 से 3 किलो का तक का जो वज़न है आराम से उठा लेता है, यानी कि आप इस पर अपना DSLR कैमरा भी जो है आसानी से जो है माउंट करके आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है बॉक्स के अंदर में आता है, ये इसका बॉक्स है, 3110 इसका ये जो है मॉडल नंबर है। बाकी जो है इसको फिर से अनबॉक्स करता हूँ तो ये कुछ इस तरह के रैपर के अंदर में देखने को मिलता है। अभी जो दोस्तों ये जो है नॉर्मल पॉलीथीन है, जो भी आपको जो है कुछ जनरल स्टोर पर वगैरह मिल जाते हैं इस तरह के बैग जो होते हैं। तो काफ़ी मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर में जो है पैकिंग काफ़ी ठीक दी गई है, कुछ इसमें मैं कहूँगा शिकायत वाली बात नहीं है। बाकी इसके अंदर में जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें शायद ज़्यादा देखने की नहीं मिलती, बट हाँ इसके अंदर में आपको जो है एक ट्राइपॉड और साथ ही में जो है एक होल्डर मिल जाता है जो कि माउंट जो है क्लिक करता है। यहाँ पर यह है इसका बॉक्स है ये। अभी बॉक्स के अंदर में बात करूँ, कुछ चीज़ें इसके अंदर दी गई है, जैसे 3-way पैन हेल्ड दिया गया, यानी कि आप इसको जो है डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये काफ़ी मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रबर ग्रिप मिलती है यहाँ पर, यानी कि जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ये अपनी रबर टिप पर टिक जाता है, कहीं भी किसी सरफेस जो भी स्लिपरी एरिया है तो वहाँ पर ये जो आसानी से काम कर लेता है। यहाँ पर ये हाइट वगैरह मेजरमेंट वगैरह बताया गया इसके बारे में, जितने भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो था इसका कुछ इस तरह का बॉक्स। बाकी से हट साइड हटाते हैं और यहाँ पर मेन अपने जो है हम ट्राइपॉड की तरफ आते हैं। इसके अंदर में जो है दोस्तों हमें मिलता है एक जो है माउंट होल्डर, जो कि मोबाइल होल्डर होता है। ये आपको पता ही है कि इसको जो है आप अपने मोबाइल से अटैच करके ट्राइपॉड के अंदर में इसे माउंट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जो है इसकी भी क्वालिटी है, मैं कहूँगा कि ज़्यादा बुरी नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर में। प्लास्टिक काफ़ी जो है मटेरियल है, इसके अंदर में स्प्रिंग लगे होते हैं, तो रबर इसके अंदर मिलते हैं जिससे ये होल्ड होता है आपका मोबाइल फ़ोन। तो ये काफ़ी जो है इसके अंदर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है, तो ये इस प्राइस रेंज के अंदर में ठीक ठाक हमें जो मिल जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप जो अपने मोबाइल को होल्ड करने के लिए ट्राइपॉड माउंट करके आसानी से कर सकते हैं। बाकी दूसरी और चीज़ बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा आता है ट्राइपॉड। अभी ट्राइपॉड की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ट्राइपॉड काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा वज़न है, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा वज़न भी नहीं लेकिन हैवी है। और जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिली, मैं जो है मुझे कोई शिकायत नहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी से, अच्छी मिली है। ओवरऑल जो है जो हाथ में पकड़ने का जो एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एलुमिनियम एलॉय जैसे इसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, कुछ ही ओवरऑल मिलता है। यहाँ पर इसके अंदर आपको जो है कि बार मिल जाती है जिससे आप अपने मोबाइल का जो एंगल होता है उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप चाहें, अपने लेफ्ट राइट या फिर आप चाहें तो इसे ऊपर से नीचे की ओर कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से जो हर एंगल में जो भी आप वीडियो शूट करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप नीचे देख सकते हैं ये इसके रबर टिप्स है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्लिप्स हैं, इसे खोलकर जो है आप इसे लंबा कर सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी कैसे ये जो है खुलता है। यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है, प्लास्टिक है ऊपर पूरा ये, और प्लास्टिक जो है हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ पर ये इसका माउंट है जिसके अंदर में आप इसको क्लिप अपना जो भी चीज़ माउंट करना चाहते हैं कैमरा वो यहाँ पर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करो दोस्तों कुछ इस तरह का है ये ट्राइपॉड। यहाँ पर आपको बीच में जो एक ये मिलता है अलग से पाइप, जो ये लेग मिलती है, ये भी जो है मैं कह सकता हूँ कि एक्सपैंड हो जाती है ऊपर तक, कम से कम मैं कहूँगा कि आधा फिट तक ये भी एक्सपैंड हो जाती है। और यहाँ पर ये बीच में लेवलर मिल जाता है जिससे कि आप अपने जो है वीडियो कैमरे को एक स्टेबल लुक में रख सके, स्टेबिलिटी दे सके। तो भाई यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा मिल रहा है इस रेंज के अंदर में। बाकी इसको लंबा करने के लिए आपको जो क्लिप्स मिलती है इसे आपको जो है खोलना होता है इस तरीके, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इन क्लिप्स को इस तरह से लंबा करके खोल लेते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से जो है इनको लॉक करना होता है। अभी लॉक इसलिए करना होता है, अगर आप इसको बिना लॉक करे इसको खड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये फिर से अंदर की ओर चले जाएंगे।
यहाँ पर आपका जो मोबाइल होल्डर है वो कुछ इस तरीके से लग जाता है और जो इस तरह से प्लेस हो जाता है, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल प्लेस करके आसानी से जो है वीडियो शूट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ इस तरीके से देखिए सपोर्ट मिल जाती है बीच में 3 लैग्स के बीच में, जिससे कि आपके जो ये लैग ज़्यादातर एक्सपैंड ना हो और एक जो है नॉर्मल जितनी इनको खुलने की इजाज़त दी गई है उतना ही खुल सके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर एक और मैं आपको एक चीज़ तो दिखा दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि बीच में यहाँ पर ये दिया गया है ना, एक स्क्रू दिया गया है इस तरह का ये नीचे, यहाँ पर अगर मैं इसे ढीला करता हूँ तो ढीला करने के बाद होता क्या है कि इसको ढीला करने के बाद में जो बीच वाली जो लेग है वो और ऊपर तक एक्सपैंड हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया था। देखिए इसे खोलने के बाद में ये आपके लगभग आधा फीट तक एक्सपैंड हो जाती है, यानी कि इसकी हाइट और बढ़ जाती है। तो जो है हाइट के मामले में दोस्तों काफ़ी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है आपको, बस हाइट के मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है ये अच्छा है। इस प्राइस रेंज के अंदर में आपको इतनी हाइट का ट्राइपॉड मिल रहा है जो कि काफ़ी काबिले तारीफ है। मैं कहूँगा दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड मिल रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर में। इसे खरीदने का जो है लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर जाना इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ में, देखते रहे द टेक टेक्निकल्स।